What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. राजस्थानी गट्टे की सब्जी बना रहा हूँ आज। अब ये गट्टे की सब्जी जो है काफ़ी पॉपुलर फेमस राजस्थानी रेसिपी है ये, और ये जो रेसिपी है एकदम आसान होती है, बस बेसन और दही यूज़ करके बनाते हैं। अब ढाबों पर जब जाओ तब इस रेसिपी में प्याज लहसुन वगैरह भी यूज़ होता है, तो जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते उनके घर पर ये सिर्फ दही और मसालों को यूज़ करके बनाई जाती है, और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं या ढाबों पर जब जाओ तो प्याज लहसुन टमाटर भी डाला जाता है दही के साथ, और एक रिच ग्रेवी बनाई जाती है और उसमें गट्टे डालकर ये सब्जी बनती है। गट्टे भी जो बनते हैं, काफ़ी लोग जब गट्टे बनाने की कोशिश करते हैं तो गट्टे हार्ड बन जाते हैं या एकदम बिखर जाते हैं पकाते समय, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे अवॉइड करनी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गट्टे कैसे बने वो इस रेसिपी में आपको बताने वाला हूँ, और एकदम ब्यूटीफुल डिलिशियस गट्टे की सब्जी ये बनती है। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से गट्टे कैसे बनाने वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर पानी उबालने रख रहा हूँ, जब तक गट्टे हम बनाएंगे, गट्टे का डो बनाएंगे, गट्टों को शेप करेंगे तब तक पानी उबल जाएगा, तो टाइम सेव हो जाएगा। तो पानी को एक बार आपने उबालने रख दिया है तो यहाँ पर कुछ मसालों को कूट लेना है। तो एक हमाम दस्ते के अंदर 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर दीजिए। सौंफ ऐड करके एकदम दरदरा कूटना है, पाउडर नहीं कूटना है। ये जो मसाला है ये आधा हम गट्टे के डो में डालेंगे और आधा जो है वो ग्रेवी में डालेंगे। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसे, ऐसे ही इन मसालों को आप कूट लीजिए। अब गट्टों का आटा लगाने के लिए एक बोल के अंदर छन्नी की मदद से 1.5 कप बेसन को छान लेना है ताकि गट्ठे नहीं बन जाए हमारे बेसन के अंदर। आप देख सकते हो बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन को ऐसे हाथों के बीच में मसल कर ऐड कर दीजिए। जो मसाले हमने कूटे थे उनकी आधी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को ऐसे हाथों में क्रश करके ऐड कर दीजिए। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया तब इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कीजिए और साथ ही में 1 टीस्पून तेल ऐड कीजिए। ये बेसिकली मोइन का काम करेगा, अंदर से गट्टों को एकदम सॉफ्ट रखेगा। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रहा हूँ, दही से भी गट्टे जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। सारी चीज़ों को भी एक बार अच्छे से आपको मिला लेना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, अब धीरे धीरे आपको यहाँ पर पानी ऐड करते हुए एक डो गूंदना है। डो जो है हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट डो गूंदना है और एक चिकना डो गूंदना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए और एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। ध्यान दीजिए कि पानी जो है वो एकदम कम लगता है ये डो के अंदर, क्योंकि दही भी हमने इसमें ऐड किया है, तेल और घी भी ऐड किया है, तो पानी जो है वो ध्यान से ऐड कीजिए। आप देख सकते हो हमारा डो एकदम एक साथ आ गया है, एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। तो इस डो को निकाल कर अब मैं प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र करने के बाद हाथों पे हल्का सा आप तेल लगा लीजिए कि जो डो है आपके हाथों को चिपके ना, और अभी इस डो को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदिए। गूंदने से भी क्या होता है, जो डो है वो काफ़ी चिकनाहट आ जाएगी उसके अंदर और डो हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा, और इसकी वजह से गट्टे भी एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको अच्छे से गूंद लीजिए। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हो डो का सरफेस जो है एकदम स्मूथ हो गया है, ऐसा ही आपका डो तैयार हो जाना चाहिए। तो डो हमारा रेडी हो गया है। डो को अभी 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हम इसके गट्टे शेप कर पाएँ। एक बार आपने डो को डिवाइड कर लिया है तो इस तरीके से आपको डो को शेप करना है, एक लंबे से सिलेंडर में, जैसे शीक कबाब बनते हैं उसी शेप में आपको इसको ऐसे रोल करके एक गट्टा बना लेना है। जो बाकी का भी डो है उसको इसी तरीके से सेम तरीके से शेप कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 ऐसे लंबे सिलेंडर्स रेडी कर लिए, और इसकी आप डायमीटर देख सकते हो मैंने कितना मोटा इसे रखा है। उबालते समय थोड़े और एक्सपांड हो जाते हैं तो मैं इसे बीच में से डिवाइड कर रहा हूँ कि इसे उबालने में आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इन्हें बीच में से डिवाइड कर लिया है। अब इन्हें बॉईल करने के लिए पानी जो है एकदम ऐसे उबलता हुआ होना चाहिए। पानी हमने जो पहले ही चढ़ा दिया था वो अच्छे से उबल रहा है। उबलते हुए पानी में गट्टों को एक एक करके केयरफुली ऐड कर दीजिए। एक बार आपने गट्टे ऐड कर दिए हैं इसमें, आपको गिन के 12 से 15 मिनट के लिए इन गट्टों को उबालना है। गट्टे जो हैं थोड़े से एक्सपांड हो जाएंगे और इनके सरफेस पे ना ऐसे छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे, थोड़ी देर में आप देखोगे वो स्टेज पर हमारे गट्टे पक जाएंगे। तो इन्हें बिना बहुत ज़्यादा स्टर किए 12 से 15 मिनट के लिए उबाल कर पका लीजिए। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो गट्टे कैसे थोड़े से एक्सपांड हो गए हैं, इनके सरफेस पे आप देख सकते हो कैसे बबल्स आ गए और गट्टे जो हैं वो पानी के सरफेस पे फ्लोट हो रहे हैं, यानी कि हमारे गट्टे एकदम अच्छे से पक चुके हैं।
इन्हें केयरफुली अभी आपको छान कर एक दूसरी प्लेट में या एक दूसरी छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है। गट्टों को ट्रांसफ़र करने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पे आने तक आपको ठंडा कर लेना है काटने से पहले। ये जो पानी जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे इसे भी आपको फेंकना नहीं है। ग्रेवी में जब भी पानी लगेगा इसी पानी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें गट्टों का फ्लेयर भी आ गया है, वो हल्का फुल्का इसमें बेसन भी रह गया है, तो इससे ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी। तो अब गट्टों को आप अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार आपके गट्टे अच्छे से ठंडे हो जाएं, तो इन्हें एक चॉपिंग बोर्ड पर ट्रांसफ़र करके आपको काट लेना है, जो इसकी थिकनेस है बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम रख सकते हैं। आप देख सकते हो किस थिकनेस में मैं इन्हें कट कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से सारे गट्टों को आप काट लीजिए। सारे गट्टे मैंने काट लिए हैं, आप देख सकते हो अंदर से भी ये गट्टे जो हैं अच्छे से पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हमारे गट्टे बने हैं और गट्टे रेडी हो गए हैं। तो गट्टे हमारे रेडी हो गए हैं। आपने देखा मैंने काफ़ी सारी आपको टिप्स दे दी हैं कि गट्टे आपके परफेक्ट बने, आपने देखा बिल्कुल भी टूटे नहीं, एकदम अच्छे से पक गए, एकदम सॉफ्ट गट्टे बने। तो इसी तरीके से सारी टिप्स फॉलो कीजिए और गट्टे एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके घर पे हमेशा। अब गट्टे इस स्टेज पर भी आप सीधा ग्रेवी में ऐड करके गट्टे की सब्ज़ी बना सकते हो। काफ़ी घरों में इसे आगे फ्राई नहीं किया जाता है, अब काफ़ी घरों में इन्हें शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर लिया जाता है। डीप फ्राई अगर करते हैं तो क्या होता है, गट्टे काफ़ी मॉइस्चर जो है वो लूज़ कर देते हैं और फिर आप उनको स्टोर करके रख सकते हो। और जब भी आपको गट्टे की सब्ज़ी बनानी है तो वो फ्राई किए हुए गट्टे जो है ग्रेवी में डालो, वो काफ़ी पानी सोख लेंगे, अंदर से फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे और परफेक्ट गट्टे बन जाएंगे। तो मैं यूजुअली फ्राई कर लेता हूँ। फ्राई करने से क्या है, टेक्सचर थोड़ा सा और बेटर आ जाता है। आप अवॉइड करना चाहते हैं फ्राइंग, तो आप सीधा इसी स्टेज पर ग्रेवी बनाकर गट्टे सीधा भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इन गट्टों को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ग्रेवी का प्रोसेस जो है वो देख लेंगे। गट्टों को फ्राई करने के लिए तेल मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है, मॉडरेटली हॉट आपका तेल होना चाहिए। अब गरम तेल के अंदर गट्टों को आप ऐड कर दीजिए। गट्टों को ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इन गट्टों को फ्राई कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डीप फ्राई करने की जगह पर इन्हें आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं गट्टों को फ्राई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो गट्टे लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो चुके हैं। इन्हें अब छान कर तेल से निकाल लीजिए और एक दूसरी छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए कि जो एक्सेस ऑयल है इसमें से निकल जाए। अब ग्रेवी को बनाने के लिए एक बर्तन में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दीजिए। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसमें जो बाकी के मसाले जो हमने कूट के रखे थे वो ऐड कर दीजिए। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 2 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करके आपको इसे स्टर करना है और 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन और मिर्च को भून लेना है। एक बार आपने अदरक लहसुन और मिर्च को भून लिया है तब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1/4 टीस्पून हींग और 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड कर दीजिए। अब आपको स्टर करके अच्छे से प्याज को गोल्डन ब्राउन रंग होने तक भून लेना है। लगभग 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते हुए प्याज को भून लीजिए। आप देख सकते हो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ इसमें, मसाले जो हैं वो जले ना और हम प्याज और मसालों को थोड़ा सा और पका सकें। पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए और मसालों को प्याज के साथ भून लीजिए। एक बार आपने मसालों को भी भून लिया है तब यहाँ पर मैं इसमें 1 टमाटर की प्योरे ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब टमाटर को भी आपको अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर की जो प्योरे है वो मैंने नॉर्मल टमाटर को बिना उबाले ही बस मिक्सी में 1 टमाटर को पीस लिया था वो ऐड किया है। तो 3 से 4 मिनट के लिए टमाटरों को आपको भूनना है। जब तक टमाटर पक रहे हैं साइड पर हमको एक दही का मिक्सचर बनाना है तो वो बना लेते हैं। तो एक बोल के अंदर 1 कप दही ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दीजिए। अब अच्छे से आपको फेंट लेना है दही और मसालों को साथ में। दही में जो गुठलियाँ हैं वो नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ दही आपका हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो दही को मैंने अच्छे से मसालों के साथ फेंट लिया है। ग्रेवी भी जो है हमारी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, घी सेपरेट हो गया है यानी कि मसाला हमारा पक चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो करके आपको ये दही वाला जो मसाला है वो ऐड कर देना है। दही का मसाला ऐड करते ही लगभग 1 मिनट के लिए आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है। अच्छे से स्टर कीजिए। एक बार आपने 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टर कर लिया है तो फ्लेम को हाई करके अभी आपको दही को भी अच्छे से भूनना है मसालों के साथ। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम कर रहा हूँ। लगभग
12 से 15 मिनट के लिए आपको दही को भी अच्छे से पकाना है। दही का जो कच्चापन है वो एकदम दूर हो जाना चाहिए, दही की खटास भी जो है वो हल्की सी कम हो जाएगी पकाने की वजह से। एकदम अच्छे से 12 से 15 मिनट के लिए इस मिक्सचर को पका लीजिए। बीच बीच में चाहें तो आप ढक्कन खोलकर हल्का सा स्टर कर सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो नीचे लग ना जाए। 12 से 15 मिनट के लिए आप इस ग्रेवी को अच्छे से पका लीजिए। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम अपनी ग्रेवी को। अब देख सकते हो हमारा जो मसाला है वो कितना अच्छे से पक चुका है, घी सेपरेट हो चुका है, काफ़ी थिक भी हो चुका है, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो मसाले की कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी थिक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो गट्टे का पानी हमने रिजर्व करके रखा था, 4 से 5 बड़ी करछियाँ इस पानी की आप ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। इस स्टेज पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो पतली कर देंगे, क्योंकि जब गट्टे इसमें ऐड करेंगे, गट्टे काफ़ी पानी पीते हैं, तो हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो एक पतली सी ग्रेवी यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए, और इस ग्रेवी को भी हाई फ्लेम पर आपको एक उबाल पे ले आना है गट्टे ऐड करने से पहले। ग्रेवी में हमारे उबाल आ चुका है। इस स्टेज पर जो हमने गट्टे फ्राई करके रखे थे वो गट्टे इसमें ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। गट्टे ऐड करने के बाद अब मीडियम फ्लेम पर आपको 7 से 8 मिनट के लिए गट्टों को मसालों के साथ पका लेना है। इस प्रोसेस में होगा क्या, ग्रेवी हमारी थिक होगी, जो गट्टे हैं वो अच्छे से मसालों वाला पानी ग्रेवी सब पिएंगे अच्छे से, और एकदम परफेक्ट हमारी गट्टे की सब्जी रेडी हो जाएगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। गट्टे भी आप देख सकते हो बिल्कुल टूटे नहीं हैं, बिल्कुल बिखरे नहीं हैं, एकदम परफेक्ट हमारी गट्टे की सब्जी रेडी हो गई है। घी भी एकदम अलग से छूट चुका है, रोगन ऊपर आ गया है। गट्टा मैं आपको तोड़कर भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो गट्टे एकदम अंदर से सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट तरीके से पक गए हैं। इस स्टेज पर मैं खाली टेस्ट करके नमक एडजस्ट करने वाला हूँ। नमक अगर रिक्वायर्ड है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 टीस्पून क्रश करके कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए, और ये आप देख सकते हो हमारे गट्टे की सब्जी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईफाई स्टाइल। गट्टे की सब्जी हमारी बहुत ही डिलिशियस बनी है, और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए अपने घर पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिना प्याज और लहसुन के भी ये रेसिपी कैसे बनानी है वो बताऊँगा। तो करना ये है आपको, गट्टे इसी तरीके से बनेंगे, जो आपका दही वाला हमने मसाला बनाया था वो मसाला भी सेम तरीके से बनाएंगे, और उसके पहले का जो प्रोसेस था जिसमें हमने लहसुन को प्याज को टमाटर को भुना था वो अवॉइड कर देंगे। तो आप बस घी के अंदर वो मसाले डालेंगे, मसाले डालकर ये दही का जो मिक्सचर है वो बनाएंगे और ऐड कर देंगे। दही के मिक्सचर को चाहिए तो आप 1.5 गुना या 2 गुना कर लीजिए, तो क्या है ग्रेवी आपकी इनफ बन जाएगी और गट्टे की क्वांटिटी भी जो है वो सेम रहेगी। और फिर दही को सेम तरीके से आपको 15-20 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है, गट्टे डाल देने, पका लेने, और बिना प्याज लहसुन के आपकी गट्टे की सब्जी बन जाएगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वाली भी। अगर आपको चाहिए कि मैं वो रेसिपी भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर देना, वो वाली रेसिपी भी जल्द शूट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये रेसिपी को चपाती के साथ खाओ, तंदूरी रोटी के साथ खाओ, बाजरे की रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।